पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. तारक मेहता का उल्टा चश्मा. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. ये कोरोना काल में घर पे बैठे बैठे घर के सारे काम सीख गए. कुर्ते में बटन टकना तक सीख गया. कभी दुकान जाके दुकान का काम कब करने मिलेगा. तू ये मेरे सफेद कुर्ते में लाल बटन लगा रहा है? हाँ बापूजी. ये हाँ वाली सफेद बटन लगा. बापूजी सफेद कुर्ते में सफेद बटन दिखेगा नहीं, इसको दिखाना है. तो बापूजी सफेद कुर्ते में लाल बटन है तो मस्त उठ के आएगा बाहर. बाबू चक सब लोग मुझ पे हंसेंगे. अरे कोई नहीं हंसेगा बापूजी, उल्टा सब आपकी तारीफ करेंगे कि वाह क्या मस्त लग रहे हैं आप. तू रहने दे भाई, तू मत लगा मुझे दे, मैं सफेद बटन लगा लूंगा. नहीं नहीं ठीक है ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो मैं कोई बात नहीं सफेद बटन लगा देता हूँ, कोई बात. अरे भाई ओ हीरो, ये जरा समाचार लगा ना भाई. अब बस 2 मिनट. अरे क्या 2 मिनट बेटा, पूरे लॉकडाउन में तूने यही किया है. कोई देखेगा तो बोलेगा व्यापारी के घर में तो डांसर कहाँ से पैदा हो गया. नहीं बापूजी, बापूजी आप कुछ तो बोलिए. तू जब छोटा था ना तो इतनी शरारत करता था कि गांव का हर एक आदमी आके मुझे बोलता था कि ये चंपक, ये तेरे संस्कारी खानदान में ये शरारती नंग पैदा हुआ है. और बोलू तू समाचार लगाना भाई. बेटा समाचार लगा ना बेटा. बस क्यों आज न्यूज में कुछ खास आने वाला है? हाँ भाई, वो कोरोना काल को लेके कोई खास खबर आने वाली है आज. नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और अब मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से जुड़ी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज. लेकिन इस न्यूज को बताने के पहले मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक चटपटी सी खबर. एक आदमी ने अपनी पत्नी के साथ बिताए लगातार 4 महीने, और वो इस कदर अपनी पत्नी से परेशान हो गया कि उसने खुद को जाके अस्पताल में एडमिट करवा दिया. एक हफ्ते के अंदर उस व्यक्ति का बिल 2 लाख रुपए हो चुका है, लेकिन वह व्यक्ति अपने घर जाने को तैयार नहीं है. सहायता के लिए उसकी पत्नी ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस वालों के समझाने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक उसका घर और उसका वर्किंग एरिया कंटेनमेंट जोन और रेड जोन के अंडर आएगा, वह व्यक्ति घर जाने की सोचेगा भी नहीं. बराबर है. अब मैं आप लोगों को खबर देने वाली हूँ कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से रिलेटेड. हाँ वो बता ना भाई. तो बोलना ना, जो कि मैं आपको दूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद. अभी ये जाहिर खबर के बाद बताएगी. ये लोग भी ना इतना टटड़ाते हम सबको. नमस्कार दर्शकों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कल तक पर. तो क्या आप लोग तैयार हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनने के लिए? अरे कब से तैयार है भाई, तो बोलने. ज्यादा कोरोना केसेस की वजह से बहुत सारे इलाके अभी भी कंटेनमेंट जोन और रेड जोन के अंडर में है, लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल से इन सभी इलाकों को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि कल से आप लोग गाइडलाइंस और नियमों का पालन करते हुए अपने अपने काम पर वापस जा सकते हैं. इतने महीनों बाद कल से मैं दुकान जा पाऊंगा बाबूजी. अरे दुकान खुलेगी, धंधा होगा, कमाई होगी. आई लव यू रीटा. आई आभार आभार यू. तेरा लाख लाख आभार है रीटा. क्या खबर सुनाई है हे बाबूजी? हां ये तो बहुत अच्छी खबर है. दादाजी, पापा ने जब कुर्ता उछाला ना तो कुर्ते के साथ साथ सुई भी सोफे पे आ गई.
सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी वो चल अभी सॉरी सॉरी बोलना छोड़ खुशी मना दिन दिन तक 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 दिन दिन तक 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 दादाजी मुंह से क्या मस्त ढोल बजाते हो अरे टप्पू पूरे गांव में बापूजी का नाम था एक बापूजी थे जो मुंह से इतना फर्स्ट क्लास ढोल बजा सकते थे अरे थक गए बापूजी अरे क्या थक गए अरे अभी आप ही बोल रहे थे ना थक गया अरे नहीं जीजा थक गया नहीं मैं थकी गया नहीं कर रहा था भांगड़ा ढोल की आवाज कंपाउंड से आ रही है कंपाउंड में कौन बजा रहा है पता नहीं चलिए देखते हैं पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें सोनी लिव वी लिव टू एंटरटेन